हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रखने नए वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे छोटा स्पीकर। हाँ दोस्तों, एटलीस्ट ये है वो स्पीकर जो ये ब्रांड क्लेम करता है कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर। ये है हैंड्स फ्री म्यूजिक प्लेबैक के लिए और पोर्टेबल स्पीकर है जिसको आप एक सेल्फी बटन की तरह भी यूज कर सकते हैं। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और फिर देखते हैं कैसा है इसका साउंड आउटपुट अगर हम कंपेयर करें किसी नॉर्मल स्मार्टफोन के कंपेरिजन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले इसकी अनबॉक्सिंग से। सो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इसके ऊपर ब्रांडिंग है मेंशन जो है INSIQ, और दिखने में काफ़ी छोटा सा एक स्पीकर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर हम बात करें पीछे की तरफ तो कुछ मेंशन है इन्फॉर्मेशन का, जैसे कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर, और कुछ बारकोड दिया हुआ है और स्पेसिफिकेशंस भी मेंशन है। पहले हम खोलते हैं इस पैकेज को जिसके लिए हमें कट करना पड़ेगा इसका सील। और यहाँ पर जैसे आप इसको कट करते हो कुछ इस तरह से, जो ऑब्वियसली सिक्योरिटी रैप्ड है, आपको सामने की तरफ मिल जाएगा एक छोटा सा ये स्पीकर। तो हम इसको बाहर निकालते हैं और पहले देखते हैं पैकेज के कंटेंट्स। दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप इसको खोलते हो सबसे पहले आपको मिल जाएगा ये नॉर्मल माइक्रो USB केबल जो काफ़ी छोटे साइज का है, और एक छोटा सा केबल जिससे आप स्पीकर करंट करके कहीं भी ध्यान रख सकते हो कि कहीं घूम ना जाए। प्लस इसके अलावा एक छोटा सा यूज़र मैनुअल, इनफैक्ट ये इतना छोटा है कि मेरे हाथों में भी बहुत छोटा सा लग रहा है। और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है कि स्पीकर माइक्रो USB सॉकेट है, मेन बटन है, LED इंडिकेटर है, पावर सॉकेट, पावर कॉर्ड सॉकेट है, और एक माइक्रोफोन है, और स्पेसिफिकेशंस है जो काफ़ी छोटे फॉन्ट में दिए हुए हैं। तो हम इसको रखते हैं साइड में और आपको दिखाते हैं ये स्पीकर। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्पीकर तो दिखने में काफ़ी छोटा है, और इनफैक्ट अगर मैं इसका क्विक साइज़ कंपैरिजन करूँ तो ये रहे कुछ कॉइन्स मेरे सामने, और ये है अपना ट्रेडिशनल 2 रुपीज़ कॉइन जो आप अगर देखोगे तो बिल्कुल इसके थोड़ा छोटा है 2 रुपीज़ कॉइन। तो इससे बड़ा हो सकता है लेट से ये 10 रुपीज़ कॉइन, ऑलमोस्ट क्लोज, या फिर ब्रांड के हिसाब से तो मतलब लिखा हुआ है कि इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू साइज ऑफ ए क्वार्टर। हालांकि मेरे पास काफ़ी सारे पेनीज हैं US के, तो उसके हिसाब से तो काफ़ी छोटा नहीं है, लेकिन काफ़ी छोटा है अगर आप देखोगे कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है ये स्पीकर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस स्पीकर का फिजिकल ओवरव्यू। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्पीकर में सामने की तरफ तो ग्रिल है जहाँ से साउंड आउटपुट आएगा, साइड में ब्रांडिंग है, और नीचे की तरफ इसका ऑन ऑफ स्विच है। और जैसे आप इसको लॉन्ग प्रेस करोगे आई प्रेज्यूम कि वो ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर ब्लू कलर की LED लाइट भी ऑन हो गई है, और यहाँ पर एक छोटा सा होल है जिसमें आप इस केबल या फिर छोटे से स्ट्रैप कनेक्ट कर पाओगे। करते हैं इसका पेयरिंग हमारे स्मार्टफोन के साथ, और यहाँ पर कनेक्शन पेयर भी हो चुका है, इट्स ऑलरेडी कनेक्टेड, और वो कहता है कि इनसिक BS1 इज कनेक्टेड। तो अभी हम लोग प्ले करते हैं कुछ म्यूजिक और देखते हैं कैसा इसका आउटपुट। हालांकि ऑफिशियली ये 90 डेसिबल्स तक का इसका साउंड आउटपुट है, तो लेट्स सी हाउ गुड द आउटपुट इज। तो इसके लिए हम लोग जाते हैं हमारे YouTube चैनल के ऊपर, और अब हम प्ले करते हैं एक रिसेंट व्लॉग। अभी आपने जो सुना वो ऑडियो था स्पीकर से, अब हम प्ले करेंगे सेम वीडियो। टेक्निकली अगर मैं क्विक कंपैरिजन करूं तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 जो मेरा स्मार्टफोन है उससे ऑलमोस्ट आई थिंक 10% या फिर 20% तक का ज्यादा साउंड आउटपुट मुझे लग रहा है। बट ओवरऑल 90 डेसिबल्स तक का साउंड आउटपुट है जो काफ़ी अच्छा है, और कंसिडरिंग द साइज आई थिंक दिस इज समथिंग जो आप ले सकते हो। अगेन इसकी प्राइसिंग है $15, तो $15 के हिसाब से आई थिंक डेफिनेटली दिस इज़ वर्थ द मनी, क्योंकि यहाँ पर इतने छोटे कॉम्पैक्ट साइज के अंदर आपको काफ़ी अच्छा साउंड मिल जाता है। अगेन
आप इससे कंपेरिजन मत कीजिए, क्योंकि मेरा जो नोट 9 है उसका साउंड आउटपुट ऑलरेडी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल स्मार्टफोन की बात करते हो तो उसका साउंड आउटपुट इतना बढ़िया नहीं होता है। और अगर आपको चाहिए छोटा सा एक हैंडी स्पीकर, देन आई थिंक दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, नॉट बैड, लेकिन आई रियली विश कि थोड़ी सी इसकी हाइट कम होती तो और मज़ा आ जाता। लेकिन ये है काफ़ी छोटा सा प्यारा सा एक वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्पीकर। आप लोग अपना फीडबैक बताइए, और आपने अगर कभी कोई ऐसा स्पीकर देखा है तो उसका नाम बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे जानना है कि क्या ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्पीकर है जो ये कंपनी क्लेम करती है, या फिर इसके कंपैरिजन में कोई और भी स्पीकर्स ऐसे अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। बस इतना से दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मैं हूँ अमित और मैं मिलता हूँ आपको हमारे अगले वीडियो में।